हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारे सारे अंदर। भाई जी मैं तुम्हें पता ही, आप 10वीं क्लास वाले हैं तो इंग्लिश दे चैप्टर कर रहे सीगे। तो दोस्तों असी अज फाइनली पहुंच चुके हैं अपने पोएट्री वाले सेक्शन ते। ठीक है जी, यानी कि जेहड़ा तुहाडा पोएट्री यानी कि पोएम सी जिहड़ियां। तो दोस्तों हजे तक अपना की हो चुकिया वा। दोस्तों हजे तक अपने जेहड़े मेन कोर्स दे जेहड़े शुरुआती वाले तुहाडे 8 चैप्टर सीगे वह कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों जेहड़ा तुहाडा चैप्टर सीगा द हैप्पी प्रिंस, ठीक है जी, तो दूसरा चैप्टर सीगा वेयर इज द साइंस टेकिंग अस, तीसरा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, ए गिफ्ट फॉर क्रिसमस, सम ग्लिम्पिसिस ऑफ एनिशियंट इंडियन थॉट एंड प्रैक्टिस, द होम कमिंग, द मेकिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है जी, द रूल ऑफ द रोड। तो दोस्तों इस तरह के जेहड़े तुहाडे मेन कोर्स के जेहड़े सारे चैप्टर सीगे 8 टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आ। बाकी प्लेलिस्ट के 10th क्लास इंग्लिश नेम तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तुसी उत्थों चैकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अज असी पहुँच चुके हैं तुहाडे पोएट्री वाले सैक्शन से। ठीक है जी, यानी कि मेन कोर्स बुक का ही दूसरा पार्ट पोएट्री। ठीक है जी, तो अज करांगे आपां तुहाडी पहली पोएम जिसका नाम हैगा ए करैक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, तो इसके राइटर हैगे सर हेनरी वाटन। तो दोस्तों चलो अज की वीडियो शुरू करते हाँ। तो दोस्तों सब तो पहला मैं तो इस पोएम के बारे जानू करवा देना। ठीक है जी, अते इस तो बाद तो फिर सेंट्रल आइडिया भी करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिहड़ा तुहाडा ये पोएम आ, ठीक है जी, करैक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, इस दे विच जिहड़े पोएट ने साडे सर हैनरी वाटन वह दसदे आ कि एक खुश रहने वाले व्यक्ति का चरित्र किस तरह का होना चाहिए वा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिहड़ा पोएट आ वह उन्हां क्वालिटीज़ बारे लिखता वा जो कि किसी व्यक्ति नूं एक खुशी भरिया जीवन बिताउण विच मदद करते हैं। यानी कि दोस्तों वह कहिंदा कि अजिहा व्यक्ति जो खुश रहना चाहुंदा वा, ठीक है जी, वह एक आजादी वाला अते ईमानदारी भरिया जीवन गुजारदा वा। यानी कि दोस्तों देखो जिहड़े व्यक्ति खुश रहना चाहुंदे ने, ठीक है जी, अते जिहड़े खुश भी हैगे आ, दोस्तों जिहड़े वह व्यक्ति ने वह एक आजादी वाला अते ईमानदारी भरिया जीवन गुजारते हैं। आजादी वाला दोस्तों मतलब वह जिथे मर्जी जा सकते हैं, ठीक है जी, जिथे मर्जी आ सकते हैं। ठीक है जी, यह मतलब नहीं कि जिथे मर्जी आ सकते हैं, यदा मतलब यह नहीं कि तुहाडे कोल आ जाण, तुहाडे घर दे विच आके रह जाण, नहीं, इसका यह मतलब है कि वह अपने निजी जिंदगी दे विच कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी करन, जिथे मर्जी जाण, अपने हेयर स्टाइल किसे में रखन, ठीक है जी, जिस तरह के कपड़े पाउन, ठीक है जी, बूट पाउन, चप्पल पाउन, जो मर्जी उन्हां दी अपनी निजी लाइफ आ उस दे विच जो मर्जी कर सकते हैं। तो दोस्तों ईमानदारी भरिया जीवन यानी कि वह अपने जिहड़ी लाइफ आ उसनू बड़ी ही ईमानदारी नाल बिताउणगे। ठीक है जी, वह किसी के नाल बेईमानी नहीं करनगे, ना किसी नू धोखा देणगे। ठीक है जी, अपना कोई काम कर रहा तां उसे दे विच काम करनगे, वह नहीं सोचणगे कि मैं अपने बिजनेस नू बधाउण लई उस बिजनेसमैन नू धोखा देवां या, ठीक है दोस्तों, इस तरह दीआं गल्लां जो तुहाडे अपने लाइफ दे विच भी हुंदीआं ने। ते दोस्तों तुसीं इस नू अपने ते भी अप्लाई कर सकदे हो। ते दोस्तों जिहड़ा पोएट आ उह कहिंदा कि जिहड़ा खुश रहिंदा वा व्यक्ति अते सोचदा वा कि मैं अपना जिहड़ी जिंदगी आ उह खुशी नाल बिताउणी आ, तां दोस्तों उह व्यक्ति कदे भी लालचा दा मतलब कदे भी लालच का दास नहीं बनता। यानी कि कदे भी लालच नहीं करता, जिमें कि दोस्तों आपां दूसरे नू देख के लालच आ जांदी है कि उहदे कोल इन्ना पैसा वा तां मेरे कोल भी इन्ना पैसा होना चाहिए, तो असी अपनी ट्रिक अजमाउण लग जांदे आ, असी भी यह सोचण लग जांदे आ कि असी भी वध तों वध पैसा कमाउणा वा, तो असी हेरा फेरी वाले काम अते धोखाधड़ी वाले जिहड़े काम हुंदे ने उस तरह के काम नू असी करन लग जांदे आ। ठीक है दोस्तों, इस तरह की लालच सानू नहीं रखनी चाहिए, सानू जिन्ना मिलता, ठीक है जी, उन्ने दे विच ही संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, सानू यह करना चाहिए कि सानू पैसों के पिछे नहीं भजना, सानू कुछ कमाई करनी आ, ठीक है, सानू कम करना, मैं कम करके पैसा कमाऊंगा, ठीक है जी, पर मैं कदे भी पैसे के पिछे नहीं भजूंगा, सानू यह गल हमेशा चेते रखनी चाहिए आ। तो दोस्तों जिहड़ा पोएट आ उह लिखदा कि जिहड़ा हैप्पी मैन हुंदा वा उह संसारिक मशहूरी अते दौलत दे पिछे नहीं दौड़दा। यानी कि जिहड़ा हैप्पी मैन हुंदा वा उह इह नहीं करदा कि लोग उसकी वडियाई करन, यानी कि उह इह नहीं चाहुंदा कि लोग मेरी तारीफ करन, ठीक है जी, बेफालतू की तारीफ करन, उह अपने आप दे विच ही खुश रहिंदा वा। अते जिहड़ा व्यक्ति आ जिहड़ा हैप्पी मैन आ उह कदे भी दौलत दे पिछे नहीं दौड़दा। ठीक है दोस्तों, इह गल हुण इत्थे स्पष्ट हो गई जिहड़ी मैं गल तुहानू दस्सी सी कि मैं असी पैसों के पिछे नहीं भजना, असी पैसा कमाउणा वा। ठीक है दोस्तों, यही गल इत्थे हैगी आ कि दौलत के पिछे नहीं दौड़ना, यानी कि पैसों के पिछे नहीं दौड़ना, असी पैसा कमाउणा वा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिहड़ा पोएट आ उह लिखदा कि जिहड़ा हैप्पी मैन हुंदा वा उह किसे दे नाल ईरखा महसूस नहीं करदा। यानी कि दोस्तों तुसीं देखिया होना कि कई व्यक्ति हुंदे ने जो कि एक दूसरे के नाल ईरखा करदे ने, यानी कि जैलसिस महसूस करदे ने एक दूसरे के प्रति। यानी कि किसी ज आपां नूं जैलसिस की हुंदी आ, क्योंकि दोस्तों वह अपने तो वधिया दिखता, ठीक है जी, उस कोल वह चीज़ है जो साडे कोल नहीं है। ठीक है जी,
साडे कोल नहीं है अस्ते उस कोल है, यानी कि दोस्तों मनो उसके कोल पैसा बहुत ज्यादा है, उस कोल गड्डी है, मोटरसाइकिल है, ठीक है जी, बंगला है, अते उस कोल सहेली भी है, ठीक है जी। इस करके आपां नूं मतलब कई बार आपां जलसी महसूस करन लग जांदे कि साडे कोल इस तरह दी चीज़ां क्यों नहीं हैगी, ठीक है जी। आपां इसलिए ही आपां एक दूसरे के प्रति जलसी महसूस करते हाँ, ठीक है जी। तो दोस्तों जिहड़े हैप्पी मैन हुंदे ने, ठीक है जी, वह सवेरे उठ के ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, सोन वेले भी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि ईश्वर तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तू साडे नाल हमेशा जुड़िया रहना है, तू साडी औखे समय वेले तू साडी मदद करदा है। तो उस तो बाद दोस्तों जिहड़ा हैप्पी मैन हुंदा वा, वह जिहड़ी अपना जिहड़ा समा वा वह धार्मिक पुस्तकां पढ़ता वा, यानी कि गुरुआं दी बाणी, ठीक है जी। तो उस अकॉर्डिंग दोस्तों वह वधिया वधिया पुस्तकां, ठीक है जी, जिस दे विच गुरुआं बारे, ठीक है जी, लिखा हुंदा वा जी, ठीक है जी, इस तरह दीआं पुस्तकां वह पढ़ता वा, ठीक है जी। वह जिहड़ा अपना ज़्यादातर जिहड़ा समा हुंदा वा वह अपने चंगे संगत वाले जिहड़े दोस्त ने, ठीक है जी, उहनां दे नाल बिताउंदा वा, ठीक है जी, जिन्हां कोल जिन्हां दी संगत वधिया वा, जिहड़े दोस्त उसदे वधिया वधिया ने, ठीक है जी, जो नशा पत्ता नहीं करदे, यानी कि वधिया नाल उहनां नाल गल्लबात करदे आ, कोई साफ सुथरे रहिंदे ने, ठीक है जी, उहनां नाल उह ज़्यादा मिलदा जुलदा वा अते उहनां नूं ही बुलाउंदा वा। तो दोस्तों वह बिल्कुल भी तंगी महसूस नहीं करता, यानी कि वह कदें भी अपने आप को यह महसूस नहीं करता कि उसके कोल किसी भी चीज़ की कमी है, जिस जो भी उसके कोल है वह उसनू ही लैके अपना जिंदगी बिता वा। तो दोस्तों जिहड़ा भी उस कोल थोड़ा बहुत है, ठीक है जी, वह उस नाल ही संतुष्ट रहिंदा वा, वह यह नहीं सोचता कि मैनू यह मेरे कोल होना चाहिए सीगा, जे मेरे कोल यह हुंदा इन्ने पैसे हुंदे, मेरे कोल इन्नी गड्डियां हुंदियां, इन्ने मोटरसाइकिल हुंदे, ठीक है जी, तां बहुत वधिया होना सीगा, यह गल वह नहीं सोचता, ठीक है जी। अते जिहड़ा हैप्पी मैन हुंदा वह अपनी लाइफ बहुत ही सिंपल अते साधारण जिंदगी विच बिताउंदा वा। तो दोस्तों इस तरह वह अपने आप दे विच ही खुश रहिंदा अते परमात्मा दे नाल जुड़िया रहिंदा वा। तो दोस्तों जिहड़ा पोएट आ वह कहिंदा कि ए मैन इज़ लकी इफ ही हैज़ नॉट टू सर्व अनदर विल, यानी कि दोस्तों इसका यह मतलब है कि वह व्यक्ति बहुत ही खुश हुंदा वा, ठीक है जी, जो दूसरों की इच्छा के प्रति अपनी जीवन नहीं गुजारता, यानी कि वह अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आजादी वाला अपना जिहड़ा जीवन आ वह गुजारता वा, वह किसी के कहने पर अपना जिंदगी नहीं गुजारता कि जिहड़ा दूसरा व्यक्ति आ वह फैसला करे कि तू इस तरह अपना जीवन गुजार, ठीक है जी, जिमें मैं कहूँगा तू उवें ही कर, वह उस तरह बिल्कुल नहीं करता हैप्पी मैन, ठीक है जी, वह किसी का गुलाम नहीं हुंदा, ठीक है जी, वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी जिंदगी बिताउंदा वा, ठीक है जी। दोस्तों हुण जिहड़ा पोएट आ लिखदा ए लकी एंड हैप्पी परसन इज़ वन, इसका यही मतलब आ कि वह भागशाली अते प्रसन्न व्यक्ति हुंदा वा, यानी कि जिहड़ा हैप्पी मैन हुंदा वा वह भागशाली भी हुंदा वा अते प्रसन्न भी हुंदा वा, ठीक है जी। जिवें कि मन्नो उहनू यह चिंता नहीं हुंदी कि जिहड़े संसार दे लोक ने वह मेरी तारीफ करन, ठीक है जी, उसनू यह बिल्कुल भी चिंता नहीं हुंदी कि जिहड़े संसार ने, ठीक है जी, वह मेरी तारीफ करन, ठीक है जी, मेरी मशहूरी करन, यानी कि मेरी वडियाई करन, उसनू इस गल्लां दी बिल्कुल भी चिंता नहीं हुंदी। तो दोस्तों जिहड़ा पोएट आ वह लिखदा ए ट्रूली हैप्पी परसन इज़ वन हू डज़ नॉट फील जेलसिस ऑफ अदर। तो दोस्तों इसका यही मतलब आ कि जिहड़ा हैप्पी मैन हुंदा वा वह दूसरों के नाल ईरखा नहीं करता जी, ठीक है जी, वह किसी भी माड़ा या चंगा नहीं बोलता, यानी कि किसी को जेलसिस फील नहीं करता किसी के नाल भी, वह कदे किसी को झूठ नहीं बोलता, किसी की चुट्ठी की तारीफ नहीं करता, ठीक है जी, ना उसनू कहता वा कि तू आए कर, ठीक है जी, तू इस तरह करेगा तो बैटर रहू, ठीक है जी, इस तरह दल्ला चुट्ठियाँ तारीफा, ठीक है जी, वह नहीं करता बिल्कुल भी। तो दोस्तों हुण जिहड़ा पोएट आ वह लिखता ए मैन हू प्रेस टू गॉड एवरी आवर ऑफ द डे गैट्स ट्रू हैप्पीनैस, यानी कि दोस्तों अजिहा व्यक्ति जो हर दिन या पूरे दिन या हर पल जिहड़ा ईश्वर नू याद करता है उही सच्ची खुशी प्राप्त करता है। हैप्पी मैन यह प्रार्थना करता वा रब अगे कि हे परमात्मा तू मैनू कुछ भी ना दे, तू बस मेरे ते अपनी कृपा बनाई रख, मैनू लोड़ नहीं पैसों की, मैनू लोड़ नहीं धन की, ठीक है, मैनू लोड़ नहीं किसी भी चीज़ की, बस तेरी कृपा मेरे उपर होनी चाहिए है। वह छल ते कपट तो बिना अपना जिहड़ा दिन आ वह गुजारदा वा, वह धार्मिक पुस्तकां पढ़दा वा, ठीक है जी, अते सारा दिन जिहड़ी रब की महिमा दे विच खोया रहिंदा वा अते उसका ही गुणगान करता रहिंदा वा, अते इस दे नाल जिहड़ा परमात्मा वा उस दे नाल जुड़िया रहिंदा वा, अते औखे समें वेले जिहड़ा हैप्पी मैन आ, ठीक है जी, उसकी मदद भी करदा वा परमात्मा। तो दोस्तों जिहड़ा पोएट आ वह अपनी आखिरी गल लिखदा वह लिखदा कि ए मैन हू हैज़ ऑल दिस क्वालिटीज़ इज़ फ्री फ्रॉम ऑल होप्स एंड फीयर्स, यानी कि दोस्तों इसका यही मतलब आ कि जिहड़ियां क्वालिटीज़ मैं तुहानूं उपर दसियां ने हजे, ठीक है जी, अगर यह क्वालिटीज़ किसी व्यक्ति के अंदर होणगियां
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਅਤੇ ਭੈਅ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਪਸ ਐਂਡ ਫੀਅਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾ ਦੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪੂਰਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਚੁਟਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਇਮ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਪੋਇਮ ਗਿਵਸ ਦਾ ਸੀਕਰੇਟ ਆਫ ਏ ਟਰੂਲੀ ਹੈਪੀ ਪਰਸਨ ਲਾਈਫ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਆ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਸਦਾ ਕੀ ਰਹੱਸਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼, ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੱਚ ਏ ਪਰਸਨ ਲੀਡਸ ਐਨ ਹੋਨੈਸਟ ਲਾਈਫ, ਹੀ ਇਜ਼ ਜੈਲਸਿਸ ਆਫ ਨਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਦ ਵਟ ਐਵਰ ਲਿਟਲ ਹੀ ਹੈਜ਼, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਸਲੇਵ ਆਫ ਪੈਸ਼ੀਅਨ, ਹੀ ਫੋਲੋਜ਼ ਦਾ ਪਥ ਆਫ ਗੋਡਨੈਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਵਰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਲਸੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਰੀਫਲੀ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੋਇਮ ਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਸਟੈਂਜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਟੈਂਜਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੈਂਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਇਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੋਇਮ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡੈਥ ਦਾ ਲੈਬਲਰ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਮਸ ਸ਼ਿਰਲੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੋਇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ, ਪਲੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।